ठीक है है ये इंसिजन इसी दोनों की से क्या बनेगा थ्री कार्नर थ्री कार्नर कैसे बनता है वन नंबर किया हुआ है टू ठीक है उसके बाद क्या है ये तीसरा है अच्छा इसमें एक और बात भी है है कि वर्टिकल इंसिजन जो आपने कहा देना है ठीक है वर्टिकल इंसिजन आपने लाइन एंगल पे देना है ये देखें ये इसका लाइन एंगल है ठीक है लाइन एंगल से आप इसको ऐसे डाइवर्जेंट पोजिशन पे देना है सो द बेस ऑफ द फ्लेप इज लार्जर देन द एपेक्स ये हम अगले लेक्चर में जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ऑफ लैप है उसमें बात डिटेल से करेंगे ठीक है तो यहाँ पे लाइनिंग लाइन एंगल से आपने रिलीजिंग डिसीजन देना है इस फेसियल एस्पेक्ट या बकल एस्पेक्ट जो है इस साइड पर नहीं देना यहां पे ठीक है ना यहाँ पे आपने नहीं देना और इसके भी हम अगले लेक्चर में डिटेल से इस पे बात करेंगे ठीक है तो दूसरा क्या है कि ये जो ट्राइंगर फ्लैप है ये ठीक है ना ये लेबियली और बकली आप इसको दे सकते हैं जो रिलीजिंग इंसिजन इसमें इन्वॉल्व हो गया ना तो जैसे हमने पिछली साइज में बात की कि

वो पिक्चर है और यहाँ देखें आपको पैपेला बिल्कुल इंटेक्ट है यहाँ लाइन एंगल से लिया गया है पैपेला को डिवाइड नहीं किया गया है देखें एक आपने यहाँ इसके फेशियल एस्पेक्ट पे नहीं देना ठीक है दूसरा ये कि पैपेला के इस साइड पे लाइन एंगल से देना पेपेला के सेंटर में नहीं देना यू विल नॉट डिवाइड है